हेलो गाइस, तो आज हम आए हुए हैं अपने बारी में। अमर जी कहाँ चले गए हैं और बोला कि पकाओ मकई, हम जा रहे हैं। शायद वो कुआँ चला गया है, तो आप देख सकते हो उधर कुआँ में है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया मुकेश जी अपना मोबाइल लेके। तो अब यहाँ पे हम चूल्हा जला लेते हैं, जलाने के बाद से हम मकई लाने के लिए और मकई ला के यहाँ पर पकाएँगे। तो फ्रेंड्स, जा रहे हैं वहाँ मकई लाने के लिए और मकई को ला के यहाँ पे पकाएंगे। चूल्हा तो हम जला चुके हैं, तो जा रहे हैं अब मकई लाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं मुकेश जी। तो आप समझ गए संथाली में इसको क्या बोला जाता है। और ये हम लोग का कुआँ और इधर है मकई लगा हुआ, तो यही मकई भी ले जाएंगे तोड़ के। हमारे लिए भी पका रहे हैं। तो हम आ गए अपने यहाँ पे मकई ले जाने के लिए। अभी जो वहाँ पे जलाए हुए हैं चूल्हा, तो पकाना है अभी। तो अब मकई यहाँ से तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ के ले जाएंगे यहाँ से मकई। तो देख सकते हैं इसको तोड़ लेते हैं। और पहले लगाए थे मकई तो चिड़िया बहुत खा चुका है इसको, कुछ बचा हुआ है बहुत है अभी, लेकिन बहुत सारा चिड़िया लोग खा चुका है। देख सकते हैं आधा चिड़िया लोग पूरा मकई को कैसे खा गए हैं। तो यहाँ से तोड़ लेते हैं मकई और जाके पकाना है हमको। मकई जा रहे हैं तोड़ने के लिए। हम देख सकते हैं कि मकई को ये भी देख सकते हैं इसको खा चुका है, तो चिड़िया सब इसमें भी निकलेगा कुछ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मकई ला चुका हूँ, अब मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा भैया जो है यहाँ पे चूल्हा जला रहे हैं। ये आग तेज़ होने के बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग का आग तैयार हो चुका है। तो हम लोग मकई को छुड़ा लेते हैं। तो हम और मेरा भाई दोनों मिल के यहाँ पर मकई को छुड़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरा हम लोग का जो आग है वो जल चुका है। तो हम यहाँ पर जल्दी से छुड़ा ले रहे हैं।
आप देख सकते हैं मकई को। तो आप देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे चूल्हा तैयार हो गया और यहाँ पर मकई हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं। तो यहाँ पे अब मकई जो है पक रहा है, तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ अभी। और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मकई को यहाँ पे धुकने का स्टाइल, जो मेरा भाई है वो बताया कि ऐसे करके यहाँ पे आग को धुक, यहाँ से आग को तेज़ करने के लिए ऐसे आप पका सकते हैं, जिससे आग बहुत तेज़ी से यहाँ पे लगेगा तो मकई जो है जल्दी से पक जाएगा। तो ये मेरा भैया का दिमाग है कि इसे पकाना, तब देख सकते हैं अपना टेक्निक से यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे मकई को जल्दी पकाना है, जिसमें हवा तेज़ी से जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हम लोग को मकई पक चुका है और यहाँ पे हम लोग ला चुके हैं खाने के लिए। यहाँ पे सेल्ट है यानी कि नमक और चीनी मिर्चा और यहाँ पे नींबू जो है हम लोग ला चुके हैं। तो अभी नींबू को यहाँ पे कुछ लाए नहीं है काटने के लिए, तो हम लोग हाथ से ही तोड़ेंगे नींबू को। तो जी नींबू है हम लोग हाथ से तोड़ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये फोटो जो क्लिक किए हैं हम लोग अपने यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से सर्व किए हैं कैसे। खा रहे हैं देख सकते हैं, और मेरे फ्रेंड लोग भी आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इधर भी उन लोग मकई खा रहे हैं, तो इधर बैठे हुए हैं साइड में, तो उन लोग को भी मैं दिखाता हूँ। पूरा मकई ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे मिंट बचा हुआ है और नमक और नींबू है। पुदीना है, ये पुदीना का पत्ता, पुदीना इसको भी साथ में खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इसको खाने में, मतलब सब घर ही है।
आपको दिखाते हैं पुदीना पे। हाँ जी ला मिर्चा भी दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पुदीना है जो यहाँ पे लगाए हुए हैं पुदीना मिल और जो है मिर्चा यहाँ पे तोड़ चुके हैं अभी खाने के लिए। और दिखाता हूँ अपना बागान का यहाँ पे जो नींबू लगाए हुए हैं यहीं से तोड़ के ले गए हैं नींबू को आप देख सकते हैं। मैं आज की वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके मैं देखिए मैं आपके सामने इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड। टेस्टी लग रहा है खाने में पुदीना।